बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है नाजरीन। सीपैक वो गेम चेंजर मंसूबा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये मंसूबा कम्प्लीट हो जाता है तो पाकिस्तान की मौशी हालत बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएगी। लेकिन इसमें नए नए मंसूबे डाल के नए नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। ऐसा तो हो रहा है कि सीपैक के तहत मंसूबे शुरू हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना कि सीपैक के तहत शुरू होने वाले मंसूबे बंद हो रहे हो? ऐसी एक कहानी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने ज्वाइन किया। राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज। राव साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आप दोनों यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। ये तो सुना था कि सीपैक के तहत जी कोई और मंसूबा डाल देते हैं, कोई रेलवे का मंसूबा डाल दिया सीपैक में, कभी कोई एग्रीकल्चर का मंसूबा डाल दिया सीपैक में, नए नए मंसूबे शुरू कराए जा रहे हैं, ये बंद होने का क्या चक्कर है? निकट तवने बहरान से निमटने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जब चीन की जानिब से सीपैक मंसूबे की बात हुई तो उसके बाद वजारत पानी और बिजली और उसके साथ वजारत प्लानिंग और डिवेलपमेंट ने इतने सारे मंसूबे बना लिए इस बात से कते नज़र कि किस मंसूबे को किस तरीके से फिजिबल करना है। क्योंकि चाइनीज़ ने यहाँ पर एज ए IPPs इंडिपेंडेंट प्राइवेट पावर सेक्टर्स के मूड के अंदर उन्होंने आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन हमें यह था कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोजेक्ट लगने चाहिए। लिस्ट बनाई और चाइनीज़ के हवाले कर दी। चाइनीज़ ने इब्तदाई तौर के ऊपर तो रजामंदी जाहिर की, लेकिन उसके साथ चाइनीज़ का शुरू से ये मुतालबा था कि जिन मनसूबों के अंदर वो सरमायाकारी करेंगे उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है जो टैरिफ के जरिए होता है वो उनकी मर्जी के मुताबिक मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब शिवाशी साहब की जानिब से खुसूसन जो शमसी बिजली के मंसूबे थे उस हवाले से किसी हद तक उन्हें यकीन दहानी भी करवाई गई थी, लेकिन बाद में हमें देखा कि बहुत से मसाइल पैदा हुए। खुसूसन नेपरा की जानिब से उन्होंने कुछ मंसूबों का टैरिफ चीनी कंपनियों की मर्जी के मुताबिक देने से इनकार किया, जिसके नतीजे में अब जो सरकारी दस्तावेजात हमें मौसूल हैं उसके मुताबिक 2 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के 3 ऐसे मंसूबे हैं जो कि अब सीपैक के तहत उन पर ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, यानी कि सीपैक के तहत वो मंसूबे अब पाकिस्तान में तामीर नहीं होंगे। उसके अंदर जो पहला मंसूबा है वो जो कि भावलपुर में लगना था, 900 मेगावाट उसकी सलाहियत थी। जोनर एनर्जी कंपनी ने इसको तामीर करना था, जिसके ऊपर जो लागत आनी थी इस मंसूबे के ऊपर वो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर थी इस मंसूबे की लागत। अब ये मंसूबा तामीर नहीं होगा चूंकि चीनी कंपनी ने इनकार कर दिया और सीपैक से इस मंसूबे को सीपैक लिस्ट से निकाल दिया गया है। दूसरा मंसूबा है सॉल्ट रेंज के अंदर जो क्लर्कहार के नज़दीक है, वहाँ पर लोकल इनके मकामी कोयले से बिजली की पैदावार का 300 मेगावाट का पावर प्लांट लगना था और उसके साथ साथ वहाँ पे कोयले की माइनिंग का आगाज भी होना था, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि लोकल कोयले को वहाँ से निकालकर जो कि सॉल्ट रेंज के अंदर काफ़ी बड़ी मकदार में मौजूद है उसको यूटिलाइज भी किया जा सके, बिजली भी पैदा की जा सके। ये मनसूबा भी अब सीपैक के लिस्ट से निकाल दिया गया है। इस मनसूबे से भी बिजली की पैदावार जो कि 300 मेगावाट होना थी अब नहीं हो सकेगी। ये मनसूबा 800 मिलियन डॉलर इसकी लागत थी। उसके बाद एक और 50 मेगावाट का शमसी बिजली का मनसूबा था, चाइना सोने कंपनी ने इसको तामीर करना था। इस कंपनी ने भी मनपसंद टैरिफ ना मिलने के बायस इस मनसूबे पर काम करने से इनकार कर दिया है। अब ये तीनों मनसूबे इस लिस्ट से निकल चुके हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमने जब शुरू में इब्तदाई तौर पर जब प्लानिंग की मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, गडानी के अंदर हमने कोल पावर मनसूबा शुरू किया कि 12,000 मेगावाट के कोल पावर प्लांट लगाएंगे। हमने नेशनल पावर पार्क के नाम से एक कंपनी बनाई, लोगों लाखों रुपए तनख्वाहों के ऊपर लोगों को रखा, करोड़ों रुपए का खर्चात, और फिर हमारी नाकस मनसूबाबंदी की वजह से पूरा गडाने का मनसूबा हमने बंद किया। सही। उसके बाद वजारत पानी बिजली और वजारत मनसूबाबंदी की नाकस मनसूबाबंदी की वजह से ही यह तीनों मनसूबे हमें ड्रॉप करना पड़े हैं। इसके ऊपर हमारा बहुत सा टाइम का ज़्याया हुआ है, सरकारी खजाने से रकम का खर्च हुआ है, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है कि जहां पे इन मंसूबों से 1250 मेगावाट बिजली भी नहीं मिलेगी, लेकिन किसने गलत तरीके से इन मंसूबों को इसमें शामिल किया? अगर शामिल कर दिया था तो फिर चीनी कंपनियों को कन्विंस करके हम इन मंसूबों की तामीर शुरू क्यों नहीं करवा सके? राव साहब वही सवाल, यानी हम हर वक्त बात करते हैं, हर शो के अंदर कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा जरूर आता है जिसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि जी प्लानिंग किधर है हुकूमत की, यानी एक हुकूमत बैठी हुई है सबसे आला होते पर बैठे हुए तमाम लोग ये प्लानिंग करने वाले जिन्होंने हमारे मुल्क को आगे लेकर जाना है, और अपने अपने कारोबार की प्लानिंग की बात है तो फिर मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, लेकिन जब बात है हुकूमत की चीज़ों की प्लानिंग की तो फिर बात अलग आती है। एटलीस्ट सीपैक का कोई ऐसा मनसूबा तो नहीं ऐसा होना चाहिए था कि जिसके ऊपर इस तरह के शकूक व शुबहात पैदा हो सके? देखिए, शुरू से हम बात कर रहे थे कि जितने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनकी क्या सिक्योरिटी क्या हो रही है, आप धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं,
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के आप देख रहे हैं क्या उसकी जो पोस्ट उसके मंसूबों के जो मनसूबाबंदी उसकी को की गई है, अब धड़ाधड़ मंसूबे बिजली के ख़ास तौर पर धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये एक चक्करबाजी सी हो रही है अजीबोगरीब किस्म की, अब उसके आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से ये दो तीन कंपनीज ने इन्होंने इनकार कर दिया है, जाहिर है ये अल्लाह ना करे कि और भी इस किस्म की कुछ चीज़ें हों, लेकिन ये पहले से ये चीज़ें इनकी प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, इनको देखना चाहिए था कंपनीज कौन सी हैं, किसके साथ मिलकर वो मंसूबाबंदी कर रही हैं, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद किया जाता। कायदे आज़म सोलर प्रोजेक्ट का मंसूबा है, आपने धड़ाधड़ उसके ठेके दे दिए, लोगों से कॉन्टैक्ट कर लिए, सारा कुछ कर लिया, जो साइनिंग है माहदे की वो सारा कुछ अवार्ड करने के बाद हो रही है। तो इस किस्म की चीज़ें जब आप करेंगे तो इसी तरह से होगा। फिर टैरिफ का इशू, इसमें बुनियादी तौर पे जो इशू आया है भट्टी साहब ने जैसे जिक्र किया, टैरिफ का इशू है कि आपने टैरिफ पहले उनसे कमिट कर लिया, उनसे कुछ और चीज़ें कमिट कर ली, जब फाइनल वो प्रोजेक्ट के लिए एग्जीक्यूशन की बातें शुरू हुई, उन्होंने जब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, उस मंसूबे को चलाने की कोशिश की, पता चला कि टैरिफ भी चेंज हो गया है और बाकी कंडीशंस में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यकीनन ये इसका इंपैक्ट आएगा। अब पता नहीं ये किस लेवल की कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज, और अगर ये विड्रॉ करती हैं तो दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही है, ये आने वाली हैं कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, उन पे किस किस्म का इंपैक्ट आएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को देख के मद्देनजर रखते हुए, अगर सिर्फ एक क्रेडिट लेने के लिए कि हमने इतनी बिजली पैदा कर दी, इतने मनसूबे लगा दिए, इतनी चाइनीज कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आ गई, सिर्फ इस चक्कर में कौम को बेवकूफ ना बनाए, अपने आप को बेवकूफ ना बनाए, इसका इंपैक्ट बड़ा लॉन्ग टर्म होगा। यहाँ पे पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि इन इस सारे मामले के अंदर उन लोगों का तयन करना बहुत जरूरी है जिन्हें पता था कि पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर से मुतल्लिक जो कानून है यानी नेपरा एक्ट, उसके अंदर वाजे तौर पर दर्ज है कि कोई भी पावर मनसूबा उसका टैरिफ नेपरा से मंजूर करवाए बगैर कोई भी इंडिविजुअल या कोई कंपनी या हुकूमती शख्सियत किसी को कोई गारंटी नहीं कर सकती। इस बात मंसूबों में देखने की अशद जरूरत यह है कि वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने चीनी कंपनियों को पेशगी तौर के ऊपर यकीन दहानी करवाई थी कि वो उनकी मर्जी का टैरिफ लेकर देंगे। यही वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर पैसे बनाए जाते हैं और आवाम के ऊपर बिजली सार्फिन के ऊपर ज्यादा बोझ डलता है। इसके अंदर वही सब कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल नेपरा ने थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा किया जिसकी वजह से शायद आवाम इजाफी बोझ से बच गए। शायद इसी हिम्मत की वजह से नेपरा जो है काफी अरसे से ज़ेरे एताब है, उसी के वांच रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो हुकूमत के अंदर आ गई थी। लेकिन खैर चलिए, अब ये मंसूबे साइड पर हो गए, एटलीस्ट जो अब मंसूबे सीपेक के हैं उनके तरफ ध्यान दिया जाए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पैनामा लीक्स की, जिसने पूरी कौम को अपने इर्द गिर्द लपेटा हुआ था। तमाम कौम सुनना चाह रही थी कि आखिर पैनामा के जो केस है उसका डिसीजन क्या होगा। डिसीजन ये आया कि JIT बनेगी, JIT बनी, JIT ने अब पहला वो फोर्टनाइटली यानी 14-15 दिन के बाद जो उसने रिपोर्ट देनी थी वो अब आज जमा कराई जाएगी और बड़ी इंटरेस्टिंग होगी डेफिनेटली। सोहेल साहब जब JIT की रिपोर्ट की बात करें तो फिर ऑब्वियसली सवाल आते हैं कि NAB ने क्या किया, FIA ने क्या किया, FBR ने क्या किया, इन तमाम इदारों को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जी निका, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी में पनामा लीक्स के केस की के जो फैसला आया था उसकी रोशनी में जो मुश्तरक तहकीकती जो टीम थी उसने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया और वो फैसले के मुताबिक अब 2 हफ्ते तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये तहकीकाती टीम आज अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। इस आज की इब्तदाई रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया जाएगा कि जो उन्होंने इस कमेटी ने इन 2 हफ्तों के दौरान NAB, FIA, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FBR से जो मालूमात मंगवाई, जो दस्तावेजात मंगवाए, उनकी रोशनी में उन्होंने अब तक क्या काम किया है, उन्होंने किन मामलात को उन्होंने स्क्रूटनी कर ली है और आने वाले दिनों के अंदर जो उन्होंने सवालनामा तैयार किया है, गर्चे के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 12 सफालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा पहले ही तहकीकती कमेटी को दिया गया है, लेकिन ज़राए हमें ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों से मुतल्लिक जो कमेटी ने तहकीकती कमेटी ने सवालात करने हैं, उन्होंने जो अब तक की दस्तावेजात का जायजा लिया है, कुछ और सवालात भी उनके पास मौजूद हैं, वो पूछना चाहते हैं, तो आज कोर्ट के सामने वो तमाम तर्ज सूरतहाल इब्तदाई रिपोर्ट के साथ साथ मुस्तकबिल का लाया अमल भी कोर्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा। और ज़रा ये कहते हैं कि इस तहकीकती कमेटी ने ये फैसला कर रखा है कि जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का जो केस जो कि कतरी खत पर मुश्तमिल है, वो इस कतरी खत की जो उसकी उसको एग्जामिन करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि कतरी शहजादे को बुलाया जाए और उस तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हों और वो बताएं कि किन कवायद और जवाबित के तहत उन्होंने ये खत जारी किया, इसके बैकग्राउंड उनके पास कौन कौन से दस्तावेजात मौजूद हैं और उनसे पूछा जाएगा कि इस खत की हैसियत क्या है, क्या वाकई आपने लिखा है। तो इस मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज इस केस की समाअत करेगा और उसके बाद जो आइंदा के 2 हफ्ते होंगे वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे, खुसूसन कमेटी इसके अंदर ये फैसला करेगी
कि जो सवालनामा नया तैयार करना है क्या वो किस तरीके से भिजवाना है, क्या आप वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ साहब को नोटिस सर्व करके उनको तलब करना है जुडिशल अकेडमी, या वज़ीर आज़म हाउस जाकर उनसे सवाल उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ से उसके बच्चों से कैसे सवालात किए जाएंगे, वज़ीर ख़ज़ाना सरदार साहब को कब तलब करना है, ये वो सारे मामलात हैं जिसका आइंदा दो हफ्तों के अंदर ये कमेटी जायजा लेगी। सही है, ठीक है, लेकिन राव साहब ये कमेटी जायजा तो लेगी, वो कतरी खत की तरफ जरा वापस आते हैं। पहले भी बड़े सवाल उठे थे, पहले भी बड़ा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कतरी शहजादे पेश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उनको कोई अदालत बुला पाएगी या नहीं बुला पाएगी, और अगर बुलाएगी तो उनका आगे रिस्पॉन्स क्या होगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे आला अदालत मुल्क की, दूसरी तरफ एक JIT, आपको लगता है अगर वहां नहीं आए तो JIT के सामने आएंगे? ये क्योंकि सैफुर रहमान साहब ने ये खत मैनेज किया है, मैं ये नहीं कहता कि कतरी जो हैं साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा, कि ये मैनेज किया सैफुर रहमान साहब ने वहाँ से खत, नोइंग सैफुर रहमान, एक दो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं मेरे, तो ये बड़ा इम्तिहान है मुस्लिम लीग हुकूमत के लिए और इस पूरे केस के लिए, कि यू नेवर नो कि ये खत, पता चले खत भी जाली था, इस किस्म की चीज़ भी इसमें हो सकती है। लेकिन क्योंकि सारा केस उनका डिपेंड करता है कतरी खत के ऊपर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पीस ऑफ एविडेंस कहा जा सकता है इसको, इसकी अगर वेरिफिकेशन होती है तो इसका मतलब ये कतर नहीं होगा कि सारे मामला तय पा गए। इसके बाद वही फिर बात वहीं पे आएगी कि मनी ट्रेल क्या थी, कि जो वो सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो सारे पैसे गए हैं दुबई से कतर और कतर से सऊदी अरब, सऊदी अरब से फिर लंदन में जो अपार्टमेंट्स खरीदे गए, वो पूरी उसकी मनी ट्रेल क्या है, क्या कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई है 80s में, अगर आप कहते हैं जी गधों पे या ऊँटों पे लाद के आप ले गए थे, तो 2000 के बाद 2006 की ट्रांजैक्शंस है, उससे पहले जो सऊदी अरब गए हैं पैसे 2000 के बाद गए हैं, उस वक्त तो बैंकिंग सेक्टर बड़ा अलाइव था और आप उस तरह से कर भी नहीं सकते थे, आप ना सूटकेसों में भर के ले जा सकते ना ऊँटों पर ले जा सकते थे, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। कतरी खत के इस्टेब्लिश होने से केस को बहुत बड़ा कोई बूस्ट नहीं मिलने वाला, ना मियाँ साहब को कोई रिलीफ मिलने वाला है, अगर वो एस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद बनी ट्रेल पे फिर आके फंस जाएंगे। जहाँ तक JIT की रिपोर्ट की बात है वो ये है कि ये अब इनिशियल जो उनकी अपनी जो उन्होंने देखा होगा मेरे ख्याल से सारी चीज़ें रिकॉर्ड जैसे मांगा होगा उन्होंने, नैब से मांगा होगा, FBR से मांगा होगा, FIA से मांगा होगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उसमें किस किस्म की मुश्किल उनको दरपेश है, आगे जिस वो इन्वेस्टिगेशन का जो प्लान है वो पेश करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ की मदद की ज़रूरत होगी, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, मुमकिन है वो एक अबूरी रिपोर्ट भी अपनी सबमिट करें आज सुप्रीम कोर्ट के सामने। कमेटी का जो बड़ा चैलेंज है वो उसकी इस तहकीकात को मुकम्मल करने का वक्त है, जो ड्यूरेशन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जाने से दी गई थी 60 दिन, वो बड़ा मुश्किल है कमेटी के जो अब रिपोर्ट पेश होगी। अब जरा ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से इसी स्टेज पे जाकर कहा जाएगा कि टाइम बहुत कम है, जबकि कोर्ट की बड़ी वाजह डायरेक्शन है कि 60 रोज में मुकम्मल होनी चाहिए, अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन उसके साथ वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि पनामा लीक्स का जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर सियासी जो सूरत हाल है गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार होती जा रही है, पोलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत से उसको खतरात लाके हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि पनामा लीक्स की वजह से ही जो मुख्तलिफ मौशियत के हवाले से इंडिकेटर्स थे और जो सरमायाकार थे वो रिलेक्टेंट हो सकते हैं, जितना केस ये तवालत इख्तियार करेगा पाकिस्तान की मौशियत पर असरात मुरतब होंगे, और उसके साथ जो हुकूमत ने आइंदा माली साल के शरह नमू का हदफ मुकर्रर किया है 6%, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने वाजह कर दिया अभी से पेश के तौर के ऊपर कि आइंदा माली साल में भी पाकिस्तान अपनी जो प्रोजेक्शन कर रहा है वजारत खजाना अपने शरह नमू 6% की वो अचीव नहीं कर पाएगा, बल्कि आइंदा माली साल में भी हमारी शरह नमू 5.8% रहेगी। यानी हमारी पिछली शरह नमू के ऊपर भी सवाल उठाए, अगली में भी उठाए, अभी प्रेजेंट के ऊपर भी उठा देंगे, तो पता नहीं कौन सी फिगर्स के ऊपर ट्रस्ट किया जाए कौन सी फिगर्स पर ट्रस्ट ना किया जाए। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी कंपनी लॉ के हिसाब से नहीं चल रही होती, बहुत सारी कंपनीज की वजह से उनके सरमायाकारों को नुकसान होता है, और अब SECP जो है इस तमाम मसले को हल करने के लिए एक नया सिस्टम लेकर आई है। यानी वैसे तो हम लोगों ने जासूसी वगैरह के बारे में मुल्क टू मुल्क कंट्री टू कंट्री सुना था, लेकिन अब यहाँ कुछ और होने वाला है। सोहेल साहब, क्या हो रहा है? अनिका, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नई रेगुलेशन मुतारिफ करवाने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक SECP के साथ रजिस्टर्ड वो तमाम कंपनियां, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाली लिस्टेड कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, वो भले वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं या नहीं, वो SECP के जो कवायद को फॉलो नहीं करती हैं, और उसके बाद स्पेशली अगर हम पहले मरले में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनियों की बात करें, वहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके अंदर इनसाइड ट्रेडिंग होती है, आवाम को नुकसान पहुँचता है, और नजायज़ मुनाफाखोरी के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं जो कैसे SECP के रूल्स के मुनाफी होते हैं। पास्ट में हमने ये देखा कि SECP जब हरकत में आता है
उस वक्त तक इनके पुलों के नीचे इतना पानी बह चुका होता है, आवाम को इतना नुकसान हो चुका होता है कि उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। जैसे हमने लाहौर में देखा था कि एक केस हुआ था, एक स्टॉक ब्रोकर लोगों के अरबों रुपए लूट कर फरार हो गया, एससीसीपी उसके बाद एक्टिव हुआ, नैब को केस भिजवाया गया था, अभी तक आवाम को कोई आवाम की दादरसी नहीं हो सकी। अब नए रेगुलेशन के मुताबिक इन कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिस रेगुलेशन का नाम है विसल ब्लोइंग रेगुलेशन 2017। जो इन कंपनियों के अंदर लोग काम करते हैं उनको ये एक प्रोविजन दी जा रही है, इजाजत दी जा रही है कि जहां कहीं वो देखें, वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, कि जहां पर कुछ गलत इकदाम किया जा रहा है, अवाम के मफाद के मुनाफी काम कर रहे हैं, एससीसीपी के कवायद के मुनाफी काम हो रहे हैं, तो वो फौरी तौर के ऊपर वो एससीसीपी को आगाह करेंगे और इस नई रेगुलेशन के मुताबिक जो इतला दहिंदा होगा, यानी कि जो बताएगा इस मामले की शिकायत करेगा, उसको इस रेगुलेशन के तहत प्रोटेक्शन हासिल होगी, वो मुतलका कंपनी उस एम्प्लॉय के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मजाज नहीं होगी और एससीसीपी उस मुलाजिम की शिकायत के ऊपर वो कार्रवाई करेगी और अगर उस मुतलका कंपनी के ऊपर रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी साबित हुई उसको जुर्माना होगा, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और उसकी दूसरी जानब जो शख्स इतला करेगा उसको नकद इनाम दिया जाएगा। इसी तरह जो सरकारी कंपनियां हैं जो एससीसीपी के तहत रजिस्टर्ड हैं उनके अंदर भी कोई करप्शन होती है, कोई गलत काम किया जाता है, तो ऐसे तमाम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो शिकायत करें। ये विसल ब्लोअर का एक्ट जो कानून है दुनिया भर के काफी सारे ममालिक में बड़ा एक्टिवली इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नैब ने भी यूनाइटेड नेशन के कुछ उनकी सिफारिशात थी, उस रोशनी में 1.5 साल कबल एक समरी भिजवाई थी वह हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को, कि इसको मंजूर किया जाए ताकि सरकारी इदारों के अंदर काम करने वाले लोग बिला हिज्जत, बिला हिलो हिज्जत, बिला किसी खौफ व खतर वो नैब में शिकायत कर सके। लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद वजारते कानून ने उस समरी को वेट नहीं किया और अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं हुई। ठीक है, अच्छा राज साहब, कहने को ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जाहिर है उसके अंदरूनी मामला क्या हैं वो उसके एम्प्लॉयज ही बता सकते हैं, उसके काम करने वाले ही बता सकते हैं। शायद बाहर से कोई चीज़ अगर बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो वो अंदर से इतनी खूबसूरत ना हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस शख्स को जो बताएगा तमाम बात या तमाम हाल अपना कंपनी का जो भी है बताएगा एससीसीपी को, उसकी शिकायत पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कहने को तो ये कहा गया है कि उस शख्स के या उस एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आधे लोग तो इसी चक्कर में नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, कि कहीं कल को इम्प्लीमेंटेशन इस रेगुलेशन की हुई या ना हुई हमें क्या पता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, दो कल्चर हैं हमारे बुनियादी तौर पे ओवरऑल सोसाइटी के। एक है कि हम रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक कंपनीज जब बनाते हैं उनको चलाते नहीं हैं उस रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक। दूसरा कल्चर हमारे यहाँ ये है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं इन कंपनीज के अंदर वो लेग पुलिंग का जो एक आंसर है उसमें वो बहुत ज़्यादा होता है, आप कर रहे होते हैं तो उससे ये बड़ा ख़तरा मौजूद है कि लेग पुलिंग के चक्कर में, लोगों को फंसाने के चक्कर में कुछ ऐसी फ्रिवलस शिकायत भी आनी शुरू हो जाए। उसके लिए किस किस्म का सिस्टम बनाया गया, किस किस्म का उसको रोकने के लिए सिस्टम बनाया गया, वो भी देखना होगा कि इस लॉ में किस तरह वो प्रोवाइड किया जाता है। रिवॉर्ड की बात है, डिस्क्लोजर विसल ब्लोअर का होगा नहीं होगा ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ छुपी कोई चीज़ नहीं रहती, पता चल जाता है, तो वो जो शख्स भी देख नियती से भी ये काम करेगा उसके लिए फिर आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना एक नामुमकिनात में से हो जाएगा। लोग फौरी तौर पर कि ये वही बंदा है जिसने शिकायत की थी, इसने फंसाया था, फलां कंपनी को बंद करवा दिया, तो इस किस्म की चीज़ें हो जाती है क्योंकि हम ऑनेस्टी को और उसकी कदर नहीं करते, उसको प्रमोट नहीं करते, ज़्यादातर चक्करबाजी के ज़रिए हम काम चलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत से हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स बेचे जाते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, उसमें कंपनीज जिस तरह से मैनिपुलेट करती हैं, इनसाइड ट्रेडिंग जिस तरह से होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शौकत अजीज़ के दौर में आप देखा आपने पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, भट्टी साहब ने जिक्र किया कि उनके पे भी लागू होगा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बहुत से पैसे मुख्तलिफ PSO के स्टॉक में इधर उधर शौकत अजीज़ साहब ने खुद कह के इन्वेस्ट करवा दिए और जब वो बहुत ऊपर चली गई उसकी प्राइस, उस पर एकदम वो पुल आउट हुआ, उसके बाद वो क्लैप्स किया, 700 अरब रुपया आम लोगों का उसमें डूबा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन इसको जुडिशियसली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वो रिसेशन की बात तो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन इतना रहे कि यहाँ अगर कोई शख्स जाकर एससीसीपी को बताता है तो क्या उसकी आइडेंटिटी बचाई जाएगी या नहीं बचाई जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि उसको सेफगार्ड किया जाएगा, किस हद तक एससीसीपी या कानून ये मेक श्योर करेगा कि वो शख्स जो गलती बता रहा है उसको पिन पॉइंट कर रहा है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है और उसकी एम्प्लॉयमेंट यानी उसकी नौकरी के बारे में उसको अश्योर किया जाएगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे।
बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, जहां बहुत सारी चीजें खराब है, वहां एक चीज सबसे ज्यादा जो कराची वालों को खटकती है वो ये है कि वहां के हेल्थ सेक्टर यानी सेहत का निजाम इतना बद से बदतरीन होता जा रहा है कि समझ नहीं आती कि जितने बैक्टीरिया, जितने एमीबा, जितने वायरसेस ने अटैक करना होता है, सबसे पहले कराची की तरफ क्यों रुख करते हैं। पाकिस्तान के अंदर निगलेरिया फैलेरी की बात कर लीजिए या कोई और की बात कर लीजिए, अब चिकनगुनिया जिसने बड़ा नाक में दम किया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, अब उसकी तशखीस की बात की जा रही है कि कराची के अंदर उसकी किट्स दरामद होंगी। राव साहब, एट लास्ट एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में पहले ही कहा जा रहा था कि एटलीस्ट इसकी तशखीस के लिए तो कुछ कीजिए, सिंध हुकूमत का आपको लगता है कुछ जरा ध्यान आजकल सेहत और तालीम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जैसे जैसे जैसे, जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे? अल्लाह करे ये इलेक्शन स्टंट ना हो या इलेक्शन की वजह से ना हो बल्कि वाकई उनको हिदायत आ गई हो, इसलिए वो कर रहे हो ये सारी चीज़ें। लेकिन ये अब पब्लिक प्रेशर पे ही हो रहा है अल्टीमेटली, इतना ज़्यादा इस पर शोर शराबा मचा, इतनी ज़्यादा हंगामा आ रही हुई, लोगों को जितनी तकलीफ थी उसको प्रोजेक्ट किया गया, मीडिया ने बहुत ज़्यादा उस पर रोल प्ले किया, तो इस पर तवज्जो दी गई। हालांकि ये कोई नई बीमारी नहीं है, मुझे याद है हमारे एक कज़न हुआ करते थे, उनको ये था, आलमोस्ट 80s की बात मैं कर रहा हूँ, इसको उस वक्त दर्द नकरस कहते थे। तो ये सी साल्ट जो है वो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था, उस वक्त भी काफ़ी सीवियर पेन होता था, फिर गर्म पानी में उसको डाल के उस नमक को, तो वो पाँव उसमें रख के बैठते थे, उससे अफाका इसका होता था। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस जो बिल्कुल नई दरियाफ्त हुई है, जिसके लिए कोई आपने नई कोई वैक्सीन दरियाफ्त करनी है, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करनी है, ये एक बहुत पुरानी बीमारी है, उसके लिए तशखीस जो है वो बुनियादी तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि आया ये पेन इसी की वजह से है, सॉल्ट के इश्यूज हैं या जो हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है वो उसी वजह से है, स्टोज इश्यूज की वजह से है या कोई और वजह। तो वो बड़ी खुशी की बात है कि 20,000 किट्स अभी प्रोवाइड कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से बढ़ रही है, जिस जो तादाद बताई जा रही है, मेरे ख्याल 20,000 किट्स ठीक नहीं होंगी, हंगामी बुनियादों पर और ज़्यादा इसको करना चाहिए, ज़्यादा फैलाना चाहिए इसको, दूसरे शहरों तक भी इसको लेके जाना चाहिए, ये ना हो कि कराची की फिक्र करते रहे और बाकी जगह पे हो ना पाए। लेकिन कराची वालों की किस्मत शायद अब कुछ बेहतर होने जा रही है कि कम से कम एक बीमारी के ऊपर हुकूमत ने तवज्जो देनी शुरू कर दी है और उसके लिए किट्स भी प्रोवाइड कर दिए, बड़ी खुशायन बात है। सही, अच्छा सोहेल साहब, ये सिंध हुकूमत सराहने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ ध्यान आ रहा है कि एक तो वो जो एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर पैल्पिटेशन की बात है हार्ट की, वो उस तरफ भी ध्यान था, तो नेशनल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, उसके बाद कुछ और सेहत की तरफ हम लोगों को ध्यान नज़र आ रहा है, लेकिन ये किट्स सही आए, सही जगह पर पहुँचे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका इकदाम तो अच्छा है और अगर सिंध हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो देना शुरू किया तो मेरे ख्याल में राव खालिद साहब का भी बड़ा इसके अंदर क्रेडिट है। इतने अरसों से हमारे प्रोग्राम के अंदर और कराची के मसाइल की तरफ न सिर्फ मुतलका हुकाम की तवज्जो मबजूल करवाते हैं बल्कि सेहत के शोबे के ऊपर हमेशा बात की है, अच्छा इकदाम है वो इसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी इसके अंदर अफसोसनाक पहलू भी है कि सैकड़ों ऐसे केसों केसेज रिपोर्ट होने के बाद अब इनको ख्याल आया कि इस मनसूबे के इस मर्ज़ का इलाज तो बाद में होगा ना, पहले जो तशखीस का मरला है उसको अबूर करने के लिए अब इसकी किट्स दरामद की जाएंगी और बताया गया कि 20,000 से ज़ायद किट्स इंपोर्ट की जाएंगी और तमाम सरकारी हस्पतालों के अंदर वो मुफ्त तकसीम की जाएंगी और उसके बाद जो कराची के निजी हस्पताल हैं उन्हें भी ये किट्स दी जाएंगी मुफ्त, ताकि जो कराची के अंदर इसकी बहुत सी इसकी शिकायत मौसूल हो रही थी और 2,700 से ज़ायद अब तक ये केसेज इसके रिपोर्ट हो चुके हैं उनकी तशखीस के लिए वहाँ किट्स मौजूद हों, अच्छा इकदाम है, होना चाहिए। लेकिन अब जब इतना बड़ा प्लान सिंध हुकूमत ने बनाया है और सिंध हुकूमत के डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जो ऐसे मौकों से अमूमी तौर पर नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ कंपनियों को टेंडर देने के हवाले से या उनके जो चीज़ें इम्पोर्ट होनी होती है उनके म्यार पर कंप्रोमाइज़ करने से मुतलिक, तो हमारी मुतलका हुकाम से गुजारिश ये है कि इस ये जो सारा अमल होना है 20,000 किट्स आपने इम्पोर्ट करनी है फिर उसकी मुफ्त तकसीम होनी है, इसको बड़ा बड़ा विजिलेंटली इसको मॉनिटर किया जाए, क्वालिटी स्पेशली इंश्योर की जाए जो किट्स मंगवानी है कि वो यहाँ पर पहुँच के प्रॉपर तशखीस कर भी सकें, ये ना पता चले कि आप किट्स इंपोर्ट कर ली गई हैं और तशखीस नहीं कर पा रही और अब FIA तहकीकात करेगी, तो इसको यकीनी बनाया जाए और जिन जहाँ पर इसकी जो तकसीम होनी है मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ उसको इंश्योर होना चाहिए कि वो किसी जगह पे फरोख्त ना हो, वाकई ही वो मुफ्त तकसीम हो और लोगों को जो इसकी सहूलत मिलनी चाहिए इस मर्ज के तशखीस से मुतलिक वो उनको इंश्योर हो सके। और जो स्टंट्स वाला स्कैंडल था उस तरह का एक और नया स्कैंडल हमारे सामने ना आ जाए, सेहत की बात कर कराची की बात कर रहे हैं तो जरा इस्लामाबाद का रुख भी कर लेते हैं, हुकूमत की नाक के नीचे सेहत का हाल ये है कि एक सबसे बड़ा मसला जिसके हवाले से दुनिया काम कर रही है कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से पूरी दुनिया रिसर्च करिए कि किस तरीके से बचाया जा सके बच्चे को भी और मदर को भी ड्यूरिंग डिलीवरी, ऐसे अस्पताल गायनी और ऑब्स को ट्रीट करने वाले, वजीर आजम साहब ने यह कहा था कि डिस्पेंसरियों को अस्पताल में तब्दील किया जाए, लेकिन हुआ क्या उसके बारे में भी बात करेंगे सोहेल साहब।
ये हो क्या रहा है? निका वफाकी दारा हुकूमत में दो ही हॉस्पिटल्स हैं, एक पिम्स और दूसरा पोली क्लिनिक। यहाँ पहले ही सेहत की सहूलियात नापैद थी और लोगों को बहुत से मुश्किलात का सामना रहता था। मरीजों का रश बहुत ज़्यादा होता है, तादाद मरीजों की बहुत ज़्यादा है, सहूलियात वहाँ पर कम है। अब 8 माह कबल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि जो CDA के अस्पताल मातहत चलने वाले डिस्पेंसरी हैं उन्हें उनका वहाँ पर उनके पास कुछ स्टाफ भी मौजूद है, उन्हें डिस्पेंसरियों के साथ साथ एक ऐसा हॉस्पिटल कायम कर दिया जाए जहाँ पर जच्चों बच्चा की सहूलियात फराहम की जाए, वहाँ पर ऑपरेशन की सहूलत मुयसर हो, ताकि लोगों को जो पिम्स और पोली क्लिनिक के अंदर जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उन मसाइल का अजाला हो सके। लेकिन 8 माह गुजर गए हैं, ये मनसूबा जिसके लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपये दरकार थे, ना तो वो पैसे जारी हुए और उसके बाद उसके बुनियादी जो उसके लिए जो इकदाम होने थे वो भी अभी तक नहीं हो पाए, क्योंकि CDA ने जो जैसे ही असेंबली मूव की तो मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन के लोग सामने आ गए कि नहीं, ये CDA के ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये काम तो हमने करना है, आप हमारी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। अब बड़ा हैरानकुन मामला है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है, हेड कौन है? शेख अंसर साहब। CDA के चेयरमैन का ओहदा किन के पास है? उन्हीं के पास है। तो जब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने उस वक्त कोई एतराज नहीं किया या CDA ने कोई एतराज नहीं किया जब मेयर इस्लामाबाद के घर का एक बड़ा बंगला तैयार होना था, 10 कनाल का बंगला तैयार होना था, उस वक्त कोई ऐसी लीगल हिचक सामने नहीं आई, कोई एतराजात सामने नहीं आए, बड़ी प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल भी हो गई और उसके ऊपर काम तकरीबन शुरू कर दिया गया। अब जहां पर आवाम की सहूलियात के मामला था तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डट के बैठ गया कि CDA ये नहीं कर सकता, ये तो हमने करना है। चले जी, CDA नहीं कर सकता तो शेख अंसर साहब इसको मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंदर इसको शुरू करवाएं। अब इसके लिए जो इब्तदाई हायरिंग होनी थी, जो मशीनरी खरीदी जानी थी, जो फंड्स के जरा होना था, उससे मुतल्लिक एक समरी बज़ाबता तौर पर अरसाल की गई वजारत कैड को। वजारत कैड ने भी ये एतराज़ आयद कर दिया है कि CDA की ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो ये किसकी ज्यूरिडिक्शन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए, 8 माह गुजर गए हैं और निटी ग्रिटीज के अंदर ये मामला उलझा हुआ है और एक काम नहीं हो पा रहा। मुल्क भर के अंदर तो जो 50 हॉस्पिटल का ख्वाब न जाने कब शर्मिंदा ताबीर होगा, वफाकी दारा हुकूमत के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो रहा। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस्लामाबाद के शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है उनके पेश नज़र ये जिसका आप ऐलान कर चुके हैं उसके इन मसाइल को दूर करके फौरी तौर पर फंड्स जारी होने चाहिए ताकि हॉस्पिटल बन सके और जच्चा बच्चा की सहूलियात लोगों को वहाँ फराहम हो सके। अच्छा राव साहब, 50 अस्पतालों का ऐलान किया था वजीर आजम साहब ने, वो कार्ड्स भी दिए थे, हेल्थ कार्ड्स 3 लाख तक के जो इलाज मुआवजे के लिए गरीबों को, बड़ा अच्छा कदम था। ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि गायनी और ऑब्स के अस्पताल के अनाउंसमेंट कर दी गई, लेकिन ये मेक श्योर करना कि ये अस्पताल जो शर्मिंदा ताबीर हो पाए ये ख्वाब, ये किसकी जिम्मेदारी थी? यानी एक जो इदारा है CDA और एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आमने सामने खड़ी हो जाती है, दोनों हुकूमत के अंदर आती है ना, अगर हुकूमत चाहे तो ये मसले को 2 सेकंड में हल कर सकती है। अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस हो तो ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये 8 महीने की बात कर रहे हैं, ये पोली क्लिनिक की तौसी का प्रोजेक्ट है, 10-15 साल से पेंडिंग पड़ा है, ऐलान होता है फिर कहते हैं एलोकेट कर दिया गया, बजट में रख दिया गया, अभी एक्सपेंशन हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। इसी तरह पिम्स के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग चले जा रहे हैं और बहुत से इस किस्म के और भी बहुत से, एक नया बिल्कुल प्रोजेक्ट बना था इस्लामाबाद में हॉस्पिटल पिम्स के साइज़ का, वो भी अभी तक पेंडिंग में पड़ा है। तो ये पेंडिंग करने में माहिर हैं, जहाँ करना होता है वहाँ जाके ऐलान करके फटाफट दूसरी जगह से फंड्स मूव करके तो वो बना दिया जाता है प्रोजेक्ट। तो इस पर बहुत सीरियसली तवज्जो देने की ज़रूरत है। जच्चा मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में दुनिया के शायद जो हाईएस्ट रेट्स हैं उनमें से है पाकिस्तान में, जो जच्चा बच्चा की सेहत के हवाले से जब फर्स्ट टाइम पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बहुत सीरियसली इसको देखने की ज़रूरत है, सीरियस तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में 94-95 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था लेडी हेल्थ वर्कर्स का, जो छोटे शहरों में कस्बों में उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुई थी, एक अवेयरनेस कम्पेन शुरू की गई थी जिससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया था ओवरऑल। लेकिन वो सियासत की नज़र हो जाता है, एक नई हुकूमत आती है वो कहती है हमने अपना प्रोजेक्ट करना है, अपने तरीके से करना है, तो इस तरह से ये चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, यहाँ पे नहीं, फिर हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है इर्द गिर्द, पॉपुलेशन इस्लामाबाद की जो है या पिंडी की जो है वो इतनी ज़्यादा है कि जो हॉस्पिटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, होली फैमिली है पिंडी में, बेनज़ीर शहीद अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, वो केटर नहीं कर सकते पूरी पॉपुलेशन को। इसी तरह पिम्स और पोली क्लिनिक सिर्फ इस्लामाबाद के वासियों को केटर नहीं कर सकते, जबकि इर्द गिर्द का इन्फ्लक्स भी आ जाता है वहाँ पे। बेसिक हेल्थ यूनिट्स की हमने बात की थी कि जो उनको भी एक्टिवेट करने की जरूरत है, लेडी हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे करें, वहाँ जच्चा बच्चा की सहूलत ट्रेनिंग के हवाले से उनके लोगों की जो कम्यूनिटी के अंदर से लोग हैं जो फीमेल खासतौर पर वर्कर्स हैं उनको
नर्सेज हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए इस हवाले से, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इस्लामाबाद के 8 मेडिकल के ऐसे इदारे हैं जिनके 4 साल गुजरने के बावजूद उनका मुस्तकिल सरबराह का तैनाती नहीं हो सकी। ये संजीदगी का आलम है। सुप्रीम कोर्ट में केस बज़ाब्ता चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से जवाब तलब कर रखा है कि 4 साल गुजरने के बावजूद सेहत के अहम शोबे के लिए जो मेडिकल के इदारे हैं किसी एक का भी मुस्तकिल तौर के ऊपर सरबराह आज तक तैनात नहीं हुआ। ठीक है, और वो रावलपिंडी का अस्पताल भी अभी तक नहीं बन सका जो गायनी और ऑब्स के लिए बनना था, अभी जेर तामीर और पता नहीं कितने सालों तक और जेर तामीर रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि फ्यूचर है, ये बच्चे जो अब दुनिया के अंदर आ रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, इनके लिए तो कम अज कम इतनी फैसिलिटीज तो हों कि कम अज कम पाकिस्तान के अंदर कदम रखते ही या पाकिस्तान के इस दुनिया के अंदर कदम रखते ही वो ये ना सोचें कि कम अज कम पाकिस्तान की ये बेसिक फैसिलिटीज तो जो है वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे इन्हीं चीजों की बेसिस पर, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, बिजली हो गई, लोड शेडिंग, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं। और अगले इलेक्शन की बात करें, तकरीबन 1 साल रह गया नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां पूरी पूरी पकड़ ली और जोरों शोर से चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने कैमरे लगाने की भी तजवीज दे दी है, लेकिन सहेल साहब आपको याद है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कैमरे लगाए बैटरी गायब हो गई, यानी अगर कैमरे ने काम नहीं करना तो कैमरे लगाने का फायदा कोई नहीं है। निका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिश तो यह है कि जो ने पिछले गुज़श्ते इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक जो इल्ज़ामात लगते हैं, जो शफाफियत से मुतल्लिक सवालात उठते हैं, उनका अजाला करने के लिए कोई ना कोई इकदाम किया जाए। उसी हिकमत अमली के पेश नज़र अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है, जिसकी बज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई चीफ इलेक्शन कमीशनर की जानिब से, कि आइंदा इलेक्शन में जो मुल्क भर के अंदर 80,000 वैसे पोलिंग स्टेशन कायम किए जाते हैं, उनमें से 20,000 पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जिन्हें अमूमी तौर पर हसास करार दिया जाता है, वहाँ पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे ताकि वहाँ मॉनिटरिंग की जा सके। 2 कैमरे उस जगह पर नस्ब होंगे जहाँ पर जो एक आपका पोलिंग स्टाफ बैठता है और बैलेट पेपर जारी करता है, और एक जो कैमरा होगा जो जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पर नस्ब किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि वो जो धांधली के जो सवालात उठते हैं और जो शफाफियत की बात की जाती है उसको थोड़ा इंश्योर किया जा सके। इस मकसद के लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए के फंड्स भी दरकार होंगे इन सिक्योरिटी कैमरों के लिए। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 20,000 कैमरे लगाने से जो आवाम की अमूमी तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की शिकायत आती हैं कि धांधली हुई वो दूर की जा सकेंगी, तो उसका इम्कान नहीं है, चूँकि बेशुमार आपके पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके हसास होना तो अपनी जगह के ऊपर, जिनकी 4 दीवारी नहीं होती, जहाँ पर अमूमी तौर के ऊपर आर्जी इंतजाम किया जाता है, शामियाने लगाकर ये सारा इंतजाम किया जाता है, उसको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी तजवीज़ ये है कि चीफ जो सुबह 4 सूबों के चीफ वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खत लिखेगा, उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि उनकी जो ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी 4 दीवारी नहीं है उनके लिए कुछ तआवुन किया जाए। दूसरा एक मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब ये दरपेश आ रहा है कि उनके पास मुल्क भर के अंदर जब इलेक्शन इनेकाद हो जाता है, फिर उनकी जो वोटिंग होती है, जो बैलेट पेपर्स को एक थैले के अंदर महफूज किया जाता है, उनको महफूज रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम नहीं है। इस मरतबा पहली मरतबा 26 स्ट्रॉन्ग रूम का क्याम अमल में लाया गया है, लेकिन उसके बावजूद बेशुमार अभी भी ऐसे इजला ऐसे होंगे जिनके जो पोलिंग के नतज होंगे उन्हें जो मुतलका जिलई हुकूमत का जो महकमा माल होता है वहां पर रखवाया जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है कि पोलिंग के नतज को किस तरीके से आपको सिक्योर करना चाहिए, ये एक आर्जी एक ढॉक अरेंजमेंट है, मुस्तकिल पायदार हल नहीं है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने जो 7 लाख मुख्तलिफ पोलिंग के जो स्टाफ होने हैं उनकी ट्रेनिंग का अमल का शुरू करना है, लेकिन ये उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकता ये अमल जब तक जो कानून साजी पेंडिंग है वो नहीं होगी, उस वक्त तक ये अमल शुरू नहीं हो सकता। वक्त कम है, इसकी कानून साजी जल्द अज जल्द की जाए ताकि जो ट्रेनिंग का अमल शुरू होना है इलेक्शन कमीशन के अमले का उसका आगाज हो सके। ठीक है, अच्छा राव साहब, एक तरफ तो इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर पर हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी नजर आ रही हैं इलेक्शन की तैयारियां करते हुए, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी जो है वो होने थे, उनका भी कुछ बताएं कि कुछ बना या नहीं बना। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो पीटीआई ने सबसे ज्यादा शोर डाला था धांधली का, उसके बाद पीपल्स पार्टी, तक तमाम जमातों ने डाला था लेकिन सबसे सरे फहरिस्त पीटीआई थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी थी। तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है अब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, वो क्या कर रहे हैं, उनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की हुई हैं चीज़ें जिसको बहुत फख्र से बयान करती है पीटीआई की, हमारी ये बातें 40 ऑब्जर्वेशन है उनकी उसके ऊपर, तो उस पर वो काम करना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैमरे लगाने से इस किस्म की चीज़ों से मसला हल होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने भी ये सेंसिटिव जो होते हैं बुनियादी तौर पर पोलिंग स्टेशन, वो धांधली की वजह से सेंसिटिव नहीं होते, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से सेंसिटिव होते हैं,
जहाँ लड़ाई झगड़ा का ख़तरा होता है या और किसी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की पैदा हो सकती है, उसके लिए बुनियादी तौर पे लगाए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम पे आपने जाना था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। फिर प्री पोल रिगिंग का बहुत बड़ा सीरियस इशू है, जिसमें सिलेक्शन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट से लेके और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स होती है उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें गलत लोगों को समटाइम्स पास कर दिया जाता है कि जी ये ठीक है, उसके बाद उनकी पिटीशन चलती रहती है इलेक्शन रिजल्ट के बाद। इसी तरह से जो सही बंदे हैं उनको उनके पेपर्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो प्री पोल रिगिंग की आती हैं, फिर पोलिंग डे होता है, पोलिंग के बाद उसके रिजल्ट्स की कंपाइलेशन जो है वो फॉर्म देना, उनको जो फाइनल रिजल्ट है उसको देना, उसकी कंपाइलेशन करना, ये बहुत इसके मराहल हैं। इसलिए इन सबको चीज़ों को देख के फिर इसको एड्रेस करना चाहिए, वरना ये 35 पंचर वाला किस्सा और ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, पीर पगाड़ा के बकौल सी थ्रू इलेक्शन वो मरहूम कहा करते थे 1997 इलेक्शन के बारे में, तो ये सारे चलते रहेंगे। ये जो झुरलू फातिमा जिन्ना के दौर से शुरू हुआ कि झुरलू चला था, यूब खान ने झुरलू चलाया था, फिर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ये ट्रांसपेरेंसी का, फिर धांधली, फिर 35 पंचर, ये इल्जाम लगते रहेंगे अगर आप पूरे सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये क्रेडिबिलिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की उस वक्त एस्टेब्लिश होगी जब आपका इलेक्शन का प्रोसेस भी क्रेडिबल होगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जरा अगले टॉपिक की तरफ, और पाकिस्तान जो कुलभूषण यादव वाला मामला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उसके अंदर एक चीज तब्दील करने लगा, पता नहीं क्रेडिबिलिटी की बेसिस पे करने लगा है या इस बेसिस पे कि गालिबन नए वकील हमारे जो करने जा रहे हैं हम लोग, वो शायद बेहतर तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन वकील तब्दील करने की बात हो रही है। सोहेल साहब, पहले 5 लाख पाउंड हम लगा चुके हैं, अब कितने पाउंड लगेंगे? अनिका, इस स्टोरी के अंदर दो पहलू हैं। उस दिन जब आलमी साल से अदालत के इस मामले के अंदर जब ये हुक्म इम्तनाई हम कहेंगे जब वो सामने आया, तो ना सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब बल्कि अवाम की जानिब से बड़ी तनकीद हुई और ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी वकील थे बरिस्टर खबर कुरैशी साहब, उन्होंने पाकिस्तान का केस दुरुस्त अंदाज में वहाँ पर कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए, अगरचे कि बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बड़े सीनियर लॉयर हैं। अब शायद मुझे लगता है कि हुकूमत को भी इस बात का एहसास हो गया कि इस मामले को इसके अंदर थोड़ी बेहतरी की, दुरुस्ती की ज़रूरत है। यही वजह है कि अब जो आइंदा जब समाप्त होगी आलमी साल से अदालत के अंदर, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने, यानी वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि अगरचे कि बरिस्टर खावर कुरैशी के इस मौके के ऊपर लग तो इस केस से नहीं किया जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करेंगे, जो उस केस को कॉन्टेस्ट करेंगे, वो पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल अश्तर उसाफ साहब करेंगे, यानी बरिस्टर खावर कुरैशी साहब उनकी मामनत करेंगे और अश्तर उसाफ साहब इस मामले को वहाँ पर कोर्ट के अंदर इसके ऊपर सारे। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी उनकी अटॉर्नी जनरल नहीं है, उनकी तरफ से भी उनका राइट है, वो भी यकीनन अपनी टीम को फर्दर स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ साथ दूसरा मामला बड़े सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा था और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से भी क्वेश्चन था, हमने भी मुख्तलिफ लोगों से राबता किया कि जो बरिस्टर खावर कुरैशी हैं उन्हें फीस कितनी दी गई, अगरचे वो कि उन्होंने खुद तो एतराफ़ नहीं किया कि उन्होंने कितनी फीस ली, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मेरे खिलाफ भारतीय प्रोपेगंडा हो रहा है, मैंने 5 मिलियन पाउंड नहीं लिए। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशरफ साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 मिलियन पाउंड लेने का बरिस्टर खावर कुरैशी के ऊपर ये इल्ज़ाम है, उन्होंने इतनी रकम वसूल नहीं की। हाँ, उन्होंने पैसे वसूल किए और वो किए उन्होंने 50,000 पाउंड, जबकि ये भी उन्होंने कहा है कि जो भारतीय वकील थे उन्होंने अलामती तौर के ऊपर सिर्फ 1 भारतीय जो रुपया है वो उन्होंने वसूल किया है। तो चाहिए तो ये था बरिस्टर खावर कुरैशी पाकिस्तान के लिए, उन्होंने उनको पहले बहुत से खिदमात दी हैं, उन्होंने केसेस भी पाकिस्तान के लिए कॉन्टेस्ट किए, तो मुल्क की सलामती का मामला था, तो वो भी शायद भारतीय वकील जैसी एक अच्छी रिवायत कायम करते, तहम 50,000 पाउंड उन्होंने वसूल किए हैं। ठीक है, 5 मिलियन वाली बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, वो खावर साहब की तरफ से वो एक क्लैरिफिकेशन आ गई थी, लेकिन राव साहब पैसे जितने भी लिए हो, इतना जरूरी है कि हमारा मौकफ बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है पाकिस्तान का, कुलभूषण यादव की अपनी स्टेटमेंट है, कन्फेशनल स्टेटमेंट से ज्यादा एक क्या चीज हो सकती है, एंड ही हैज सेड कि वो एक नेवल सर्विंग ऑफिसर है, तो इसके बाद मौकफ मनवाना बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट और कितने ज्यादा आप कन्विंस कर सके, सिर्फ यही मामला आएगा, क्या कहते हैं? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मैंने वो पूरा फैसला सुना जब वो अनाउंस कर रहे थे, अगर जो उन्हें मेन सेलिएंट फीचर्स और ऑपरेटिव पार्ट उसका पढ़ के सुनाया, तो वो हमारे मुझे अपने यहाँ के कुछ केसेस याद आ गए जिसमें जब रिलीफ देना होता है तो दूर की कोड़ी लाते हैं, उसमें कहाँ से घूम घाम के वो कहते हैं जी कौंसलर एक्सेस को बेस बना के एक सिंपल, बाकी सारी चीज़ों पर उन्होंने कहा जी ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान के इस पर मौकफ दुरुस्त है,
इंडिया ये केस एस्टेब्लिश नहीं कर सका, लेकिन कौंसलर एक्सेस और ये सारा, तो मेरा ख्याल है हमें ये देखना चाहिए था। नया नया भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंख का तारा बना, खासतौर पे अमेरिका की, तो वो इंटरनेशनल प्रेशर आप पे आना ही था, इसलिए पहले दिन से आपको इस केस को बड़ा ओपन तरीके से और अच्छे तरीके से हल करना चाहिए था, चलाना चाहिए था। कौंसलर एक्सेस दे देते क्या फर्क पड़ता है, वो उसका इकबाली बयान आपके पास मौजूद है, आपका केस ज्यादा मजबूत हो जाता। चलिए ठीक है सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, राव साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग केस होने के बावजूद अगर हम लोगों को बैकफुट पे जाना पड़ा, फिर ये डेफिनेटली हम लोगों को सवाल उठाना पड़ेगा कि क्यों इस तरह का मामला हुआ। कुलभूषण यादव का मामला पूरी दुनिया के सामने है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान, और इसके अंदर हमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुब के नाम से फेसबुक ट्विटर पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिए, अल्लाह हाफिज़।